हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और जैसा कि हमने रीसेंट के जो लेक्चर किया था वो जीपीएस और जीएनएसएस सिस्टम पे था, तो आप सबको अभी उनके कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। तो उससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू सीरीज को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ L1 सिग्नल। जैसा कि जीपीएस आप सबको पता है दो तरह के कैरियर्स कैरी करता है, जिसमें L1 और L2 सिग्नल्स आते हैं। तो जो L1 सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, तो आप सब जो है कमेंट्स में मुझे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर पॉसिबल हो तो जरूर बताइएगा। बाकी जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए 1575.42। तो जो L1 सिग्नल है वो 1575.42 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जो है सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। के बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज द स्यूडो रेंज मेजरमेंट। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है अच्छे से, स्यूडो रेंज मेजरमेंट क्या होती है। यहाँ पे भी चार ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से पहला है कि द टाइम इट टेक्स फॉर अ जीपीएस सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम अ सैटेलाइट टू अ रिसीवर। दूसरा है द डिस्टेंस बिटवीन अ जीपीएस सैटेलाइट एंड अ रिसीवर। तीसरा है द एरर इन द डिस्टेंस मेजरमेंट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिले। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं स्यूडो रेंज मेजरमेंट जो होती है इज द टाइम इट टेक्स फ्रॉम अ जीपीएस सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम अ सैटेलाइट टू अ रिसीवर। सैटेलाइट से रिसीवर तक सिग्नल पहुंचने में जो टाइम लगता है इसी को हम लोग स्यूडो रेंज मेजरमेंट कहते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट के बारे में आपने सुना होगा, जब भी हम लोग जीपीएस टेक्निक्स जो है ये कहाँ से आई उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे जो है डॉपलर शिफ्ट टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं कौन सा जो है ये डॉपलर शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो चारों ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीपीएस सिग्नल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सैटेलाइट एंड द रिसीवर। दूसरा है द एरर इन द डिस्टेंस मेजरमेंट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिले। तीसरा है द एरर इन द टाइम मेजरमेंट ड्यू टू क्लॉक एरर्स। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो डॉपलर शिफ्ट की अगर बात करें तो इट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीपीएस सिग्नल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सैटेलाइट एंड द रिसीवर। सैटेलाइट और रिसीवर के मोशन की वजह से जो जीपीएस की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है उसको डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। डॉपलर शिफ्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो रिसीवर है उसकी सैटेलाइट के रिलेटिव में क्या वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोरिलेशन प्रोसेस। कोरिलेशन प्रोसेस जो इस टर्म की हम बात करते हैं जब हम जीपीएस सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जहाँ पे सिग्नल्स का मॉड्यूलेशन होता है वहां पे जो है ये कोरिलेशन प्रोसेस टर्म यूज किया जाता है। तो कोरिलेशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे इसके लिए चार ऑप्शंस है। पहला है कि टू एक्सट्रैक्ट द CA कोड फ्रॉम द जीपीएस सिग्नल। दूसरा है टू मेजर द स्यूडो रेंज। तीसरा है टू कैलकुलेट द डॉपलर शिफ्ट। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है द पर्पस ऑफ द कोरिलेशन प्रोसेस इज टू एक्सट्रैक्ट द CA कोड फ्रॉम जीपीएस सिग्नल्स। मतलब कि जीपीएस सिग्नल से CA कोड को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कोरिलेशन प्रोसेस के अंदर में आता है। और CA कोड का जो इस्तेमाल होता है इज टू सिंक्रोनाइज द रिसीवर विद द सैटेलाइट एंड टू मेजर द स्यूडो रेंज। CA कोड्स क्या जो है ये सैटेलाइट और रिसीवर को जो एक साथ सिंक्रोनाइज रखने का काम करता है और स्यूडो रेंज जो है मेजर करता है कि कितना टाइम लगा सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ कामेन फिल्टर। तो यहाँ पे भी इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। कामेन फिल्टर जो है टू एस्टिमेट द पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ द रिसीवर। दूसरा टू ट्रैक द जीपीएस सैटेलाइट्स। तीसरा है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज एंड इंटरफेरेंस। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है कामेन फिल्टर क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एस्टिमेट द पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम। जीपीएस जो है इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि आपको अपनी पोजीशन नेविगेशन और टाइमिंग का पता चल सके। और इसी टर्म को जो डिस्क्राइब किया गया इस कामेन फिल्टर टर्म में जो कि एस्टिमेट करता है पोजीशन वेलोसिटी और टाइम को रिसीवर के टू ट्रैक द जीपीएस सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए और साथ ही में जो बीच में नॉइज और इंटरफेरेंस आते हैं उसके इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये जियो पोजिशनिंग से है। तो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पोजिशनिंग। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजिशनिंग के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। एब्सोल्यूट पोजिशनिंग यूजेस अ सिंगल जीपीएस रिसीवर टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द रिसीवर।
रिलेटिव टू अर्थ सेंटर, वाइल रिलेटिव पोजिशनिंग जो है ये टू और मोर जीपीएस रिसीवर्स का यूज करती है टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ वन रिसीवर रिलेटिव टू अदर। दूसरा ऑप्शन है एब्सोल्यूट पोजिशनिंग इज मोर एक्यूरेट देन रिलेटिव पोजिशनिंग। तीसरा एब्सोल्यूट पोजिशनिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन रिलेटिव पोजिशनिंग। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन ए, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजिशनिंग जो है ये एक सिंगल जीपीएस रिसीवर का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द रिसीवर रिलेटिव टू अर्थ सेंटर, और रिलेटिव पोजिशनिंग जो है ये टू या मोर जीपीएस रिसीवर्स का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ वन रिसीवर रिलेटिव टू अदर। ये आपको याद रहेगा एब्सोल्यूट पोजिशनिंग जो है वन जीपीएस रिसीवर और रिलेटिव पोजिशनिंग जो है टू और मोर जीपीएस रिसीवर्स का यूज करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज डीजीपीएस? डीजीपीएस क्या होता है? डीजीपीएस का फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसके चार ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है कि डिफरेंशियल जीपीएस जो है इज अ टेक्निक दैट यूजेस टू और मोर जीपीएस रिसीवर्स टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द पोजिशन मेजरमेंट। दूसरा है DGPS यूज्ड अ फिक्स्ड रेफरेंस स्टेशन टू मेजर द एरर्स इन द GPS सिग्नल्स एंड देन ट्रांसमिट दीज करेक्शंस टू अदर GPS रिसीवर्स। तीसरा है DGPS कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ पोजिशन मेजरमेंट बाई अप टू फैक्टर ऑफ 10। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। सेम वे में ये एक और क्वेश्चन है, RTK GPS क्या होता है? इसका आंसर भी जो है, ये दोनों क्वेश्चन GPS से रिलेटेड है, GPS के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है उससे रिलेटेड है। तो इन दो क्वेश्चन के जो आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन को भी मैं रीड कर देती हूँ, ऑप्शन को भी, कि RTK GPS क्या होता है। तो रियल टाइम काइनेमेटिक GPS इज अ टेक्निक दैट यूजेस टू और मोर GPS रिसीवर्स टू मेजर द पोजीशन ऑफ द रिसीवर विद सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी। दूसरा ऑप्शन है RTK GPS यूजेस अ करियर फेस ट्रैकिंग टेक्निक टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द GPS रिसीवर एंड द सैटेलाइट। तीसरा, RTK GPS इज कॉमनली यूज्ड फॉर सर्वेइंग एंड मैपिंग एप्लीकेशंस। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये दो क्वेश्चन है जिनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द GPS? GPS को जो है किसने इन्वेंट किया था? तो यहाँ पे जो है आपके पास चार ऑप्शन है, रॉगर एल ईस्टन, इवान गेटिंग, ब्रैडफोर्ड पार्किंसन, और चौथा है कि ये सारे ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि GPS जो किसी एक पर्सन द्वारा नहीं, एक पूरी एक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम थी, उनके द्वारा इन्वेंट किया गया, जिसे लीड कर रहे थे रॉगर एल ईस्टन, इवान गेटिंग और ब्रैडफोर्ड पार्किंसन। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट GPS सैटेलाइट लॉन्च? फर्स्ट GPS सैटेलाइट कौन सा था? नैवस्टर 1। वो जो है कब लॉन्च हुआ था? यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, 1978, 1979, 1980, 1981। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 होगा। फर्स्ट GPS सैटेलाइट जो है, जिसको नैवस्टार 1 के नाम से जाना जाता था, उसे जो है फरवरी 2022 1978 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी जो है जो सेम ईयर से रिलेटेड है कि व्हेन डिड द GPS सिस्टम बिकम फुली ऑपरेशनल? नैवस्टार 1 तो जब लॉन्च हुआ था तब ये फुली ऑपरेशनल नहीं था, एक ब्लॉक इसका लॉन्च किया गया था, पर ये फुली ऑपरेशनल जो है ये कौन से ईयर में हो गया था? तो इसके भी चार ऑप्शन है यहाँ पे, 1993, 1994, 1995, 1996। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 1993। तो जो GPS है ये फुली ऑपरेशनल हो गया था 1993 में, जब इसके ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट्स जो है पूरे तरह से कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ GPS? GPS का ओरिजिनल पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस टू मिलिट्री को। दूसरा है टू प्रोवाइड नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस टू सिविलियंस को। तीसरा है कि ये बोथ ए और बी ऑप्शंस। चौथा है कि इनमें से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इसका तो आंसर आप सबको पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि GPS को जो है यूज किया जाता है, ये डेवलप तो किया गया था स्टार्टिंग में मिलिट्री पर्पस के लिए, पर ये अभी जो है वाइडली यूज होता है सिविलियंस के द्वारा भी, और आजकल बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में जो है GPS का इस्तेमाल किया जाता है पोजीशन, नेविगेशन, टाइमिंग का पता करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द US गवर्नमेंट एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग द GPS सिस्टम? GPS सिस्टम के जो
ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस है वो कौन सी यूएस गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा संभाली जाती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, नासा, नोवा, यूएसएएफ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जीपीएस सिस्टम के ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस के लिए। ये जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, लोग जो है नासा मोस्ट ऑफ द केस में इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पर इसका आंसर जो है ये एयरफोर्स जो है यूनाइटेड स्टेट का, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके बाद ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा इसका आंसर। व्हाट आर द थ्री मेन सेगमेंट्स ऑफ जीपीएस सिस्टम, के तीन मेन सेगमेंट्स क्या हैं? ये ऑप्शंस है स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। दूसरा है स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। तीसरा है स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड नेविगेशन सेगमेंट। चौथा है कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, ऑप्शन ए। तो जीपीएस जो है इसके अंदर थ्री मेन सेगमेंट्स होते हैं। स्पेस सेगमेंट में जो है इसके अंदर जो 24 सैटेलाइट्स का इंटीग्रेशन है वो आता है, जिसमें हर एक ऑर्बिट जो है 6 डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, हर एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स को प्लेस किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है स्पेस सेगमेंट में आती है। कंट्रोल सेगमेंट में जो है ये ग्राउंड पे स्टेशंस बने हुए हैं जो कि इन सैटेलाइट्स के हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। तीसरा जो है हमारे यूजर सेगमेंट, इसके अंदर जो है डिफरेंट यूजर्स के द्वारा जीपीएस रिसीवर्स के थ्रू जो है जीपीएस सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं और उससे अपनी पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग का पता लगाया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड जीपीएस। इसका आंसर आप सबको आना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में इसके बीच प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, ट्राइलैटरेशन, ट्रायंगुलेशन, मल्टीलैटरेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्राइलैटरेशन। तो जीपीएस जो ये ट्राइलैटरेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ट्राइलैटरेशन क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरिंग इट्स डिस्टेंस टू 3 नोन पॉइंट्स इन द केस ऑफ जीपीएस। मैंने इसका जो है मेथडोलॉजी प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि आपको अर्थ पे अपनी पोजीशन पता करनी, अगर आपको एक सिंगल सैटेलाइट से रिसीवर मिल रहा है तो जो है उसमें एरर्स के चांसेस ज्यादा, अगर एक दूसरी सैटेलाइट से भी मिल रहा है तो आप थोड़े से एक्यूरेसी जोन में आ जाते हो, पर एक तीसरी सैटेलाइट भी आ जाती है तो आपको जो है एक एक्यूरेट पॉइंट मिल जाता है। ये मेरे सर्कल्स थोड़े इधर उधर बन गया है, नहीं तो ये बीच में एक सेंटर पॉइंट मिलता है जिससे आपको अपनी एक्यूरेट लोकेशन का पता चलता है। तो ट्राइलैटरेशन जो है ये 3 नोन पॉइंट से जो है आपकी पोजिशन का पता लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अ जीपीएस रिसीवर मेजर इट्स डिस्टेंस टू अ जीपीएस सैटेलाइट। एक जीपीएस रिसीवर जो है जीपीएस सैटेलाइट से अपनी डिस्टेंस कैसे मेजर करता है? तो इसके लिए भी यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला है कि बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर अ जीपीएस सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम द सैटेलाइट टू रिसीवर। दूसरा है बाय मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जीपीएस सिग्नल। तीसरा है बाय मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीपीएस सिग्नल। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा कि जीपीएस सिग्नल को जो है रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इस टाइम के बेसिस पे ही जो है ये डिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीपीएस सैटेलाइट्स दैट अ जीपीएस रिसीवर्स नीड्स टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन। मिनिमम नंबर ऑफ कितने सैटेलाइट्स की जरूरत होती है जीपीएस रिसीवर को उसके पोजीशन का पता करने के लिए? चार ऑप्शन है यहाँ पे, 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, क्योंकि अभी हम ट्राइलैटरेशन का भी जो प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि 3 नोन लोकेशन से जो है आपकी पोजीशन का पता लगाया जाता है। तो मिनिमम जो है 3 सैटेलाइट्स जो है अगर आपके जोन में आ रही हो तो जीपीएस रिसीवर जो है अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ अ जीपीएस रिसीवर। इस चार ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर है जो जीपीएस रिसीवर की एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है? तो पहला है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, दूसरा है टेरेन, तीसरा है ऑब्स्टेकल्स, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि किसी भी अलग तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन जहाँ पे बहुत जो है आंधी तूफान आ रहा हो, बारिश हो रही हो, वैसी कंडीशन हो, टेरेन जो है बहुत उबड़ खाबड़ हो, ऑब्स्टेकल आ रहा हो, बीच में बिल्डिंग्स आ गई हो, तो इन सब की वजह से जो है जीपीएस रिसीवर की एक्यूरेसी को अफेक्ट हो सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीपीएस टाइम, जीपीएसटी। जीपीएस टाइम के बारे में मैंने पढ़ा रखा है।
GPST UTC के बारे में। तो GPS टाइम क्या होता है, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। तो GPST इज अ टाइम कीपिंग सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक क्लॉक्स ऑन द GPS सैटेलाइट्स। दूसरा, GPST इज अ टाइम कीपिंग सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड। तीसरा, GPST इज अ टाइम कीपिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स ऑन GPS रिसीवर्स। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। GPS जो है ये टाइम कीपिंग रखता है जो कि एटॉमिक क्लॉक्स पे भी बेस्ड होता है GPS सैटेलाइट्स के साथ ही। ये जो है सैटेलाइट्स को जो है GPS रिसीवर के क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए भी होता है, और ये जो है UTC स्टैंडर्ड टाइम से भी पे भी बेस्ड होता है। तो इसीलिए इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन GPST एंड UTC टाइम। यहाँ पे चार ऑप्शंस है। GPST जो है ये कंटिन्यूअस टाइम कीपिंग सिस्टम है, और UTC जो है ये एक डिसकंटिन्यूअस टाइम कीपिंग सिस्टम है। GPST जो है मोर एक्यूरेट है UTC से, और तीसरा ऑप्शन है UTC इज मोर वाइडली यूज्ड देन GPST, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, GPST जो है ये कंटिन्यूअस टाइम कीपिंग सिस्टम है, और UTC जो है एक डिसकंटिन्यूअस टाइम कीपिंग सिस्टम है। जैसे कि अगर बात करें तो GPST जो है इसको कंटिन्यूअस क्यों बोला गया है, इसका मतलब है कि क्लॉक जो है GPS सैटेलाइट पे वो उसको कभी रीसेट नहीं किया जाता है, वो कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम है। और UTC जो ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इसका क्लॉक जो है टाइम टू टाइम पे एडजस्ट किया जाता है, ताकि उसको जो अर्थ रोटेशन के साथ में रखा जा सके, सिंक्रोनाइज रहे अर्थ रोटेशन के साथ में UTC का टाइम, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो UTC को जैसा कि एडजस्ट किया जाता है, उसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन इज UTC एडजस्टेड। कब कब इसको एडजस्ट किया जाता है, हर सेकेंड पे, हर मिनट पे, हर घंटे पे, या फिर हर दिन पे, या फिर एज नीडेड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर है एज नीडेड, जब जरूरत महसूस हो तब UTC को एडजस्ट किया जाता है। तो इसके एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि हम या तो लीप सेकेंड्स जो है UTC क्लॉक में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसको अर्थ रोटेशन के साथ में सिंक करने के लिए इसमें कुछ लीप सेकेंड्स ऐड किए जाते हैं। तो हमेशा उस सिंक को बनाए रखने के लिए उसमें से कुछ लीप सेकेंड्स ऐड किए जाते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो लीप सेकेंड कब जो है ऐड किया जाता है, जब अर्थ रोटेशन जो स्लो डाउन हो जाए बाई मोर देन 0.9 सेकेंड, तब जो है लीप सेकेंड को ऐड किया जाता है UTC टाइम में, और लीप सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है जब अर्थ रोटेशन जो है स्पीड अप हो जाए बाई 0.9 सेकेंड से। तो उस बेसिस पे जो है लीप सेकेंड को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स ऑन GPS रिसीवर्स विद GPST। ये क्यों जरूरी है कि आपकी GPS रिसीवर की क्लॉक और जो GPST है वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज रहे। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, टू इंश्योर एक्यूरेट पोजिशनिंग, दूसरा है टू प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम कीपिंग, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ सी एंड बी। तो GPS रिसीवर और GPST जो है इनको साथ में सिंक्रोनाइज रखना जरूरी है, क्योंकि हमेशा जो है GPS रिसीवर अपनी पोजीशन जो है डिटरमाइन करने के लिए ये जो टाइम डिफरेंस लगता है सिग्नल से रिसीवर तक पहुंचने का, इस टाइम को यूज करता है अपनी पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसीलिए इनका सिंक्रोनाइज रहना जरूरी है ताकि एक्यूरेट पोजीशन का पता चल सके। और GPS रिसीवर जो है ये UTC टाइम नहीं GPST टाइम का यूज करते हैं टू कैलकुलेट दिस स्यूडो रेंज मेजरमेंट, इस टाइम को मेजर करने के लिए। तो इसीलिए इनका सिंक्रोनाइज रहना जरूरी है आपस में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डू GPS रिसीवर सिंक्रोनाइज देयर क्लॉक्स विद GPST। सिंक्रोनाइज रहना जरूरी है ये हमें पता है, पर ये सिंक्रोनाइजेशन को कैसे किया जाता है GPS रिसीवर को कि क्लॉक को GPST के साथ। तो यहाँ पे इसके चार ऑप्शंस हैं। द GPS रिसीवर्स रिसीव द GPST टाइम फ्रॉम द GPS सैटेलाइट्स। दूसरा, द GPS रिसीवर्स यूज द कामन फिल्टर टू एस्टिमेट द GPST टाइम। तीसरा, बोथ ए एंड बी। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, GPS रिसीवर जो है GPST टाइम जो है इसको GPS सैटेलाइट से मिलता है, उसके बेसिस पे जो है ये अपने आप को सिंक्रोनाइज रखते हैं। तो GPS सिग्नल जो है उसमें एक टाइम स्टैम्प रहता है जिसमें पता चलता है कि ये सिग्नल जो है कब एमिट हुआ है सैटेलाइट से, और उस टाइम स्टैम्प के बेसिस पे जो है GPS रिसीवर जो है वो कंपेयर करता है अपना टाइम स्टैम्प कि करंट टाइम क्या हुआ है उस रिसीवर में, कितना टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में,
जब सिग्नल एमिट हुआ और जब रिसीव हुआ उसके बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन मेथड्स ऑफ जियो पोजिशनिंग इन जीपीएस। कौन से दो मेन मेथड्स हैं जियो पोजिशनिंग के जीपीएस में? पहला एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पोजिशनिंग, दूसरा है कोड बेस्ड पोजिशनिंग एंड करियर फेस पोजिशनिंग, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ए और बी जो है इसमें टू मेन मेथड्स की बात की गई है, पर एब्सोल्यूट रिलेटिव को एक काउंट कर रहे हैं हम, और कोड बेस्ड और करियर फेज बेस्ड को एक काउंट कर रहे हैं। तो आप समझ जाना इसको। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में आपको पता है कि एक सिंगल जीपीएस रिसीवर का यूज करता है पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, और रिलेटिव जो है ये टू या मोर जीपीएस रिसीवर का यूज करता है पहले रिसीवर से दूसरे रिसीवर की पोजीशन में जो है कितना रिलेटिव डिफरेंस है उसको डिटरमाइन करने में। और कोड बेस्ड पोजीशनिंग और करियर बेस्ड पोजीशनिंग की बात करें तो कोड बेस्ड पोजीशनिंग जो होती है ये जो CA कोड होता है L1 सिग्नल पे, इसका इस्तेमाल करती है स्यूडो रेंज के मेजरमेंट के लिए। और स्यूडो रेंज आप सबको पता ही है, द टाइम टेकन इट टेक्स फ्रॉम अ जीपीएस सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम अ सैटेलाइट टू अ रिसीवर। तो कोड बेस्ड पोजीशनिंग क्या हो गई कि CA कोड का जो है यूज करके हम स्यूडो रेंज मेजरमेंट करते हैं। और करियर बेस्ड फेज पोजीशनिंग जो हो गई, इसमें जो L1 जीपीएस सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है जीपीएस सैटेलाइट टू रिसीवर के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। और करियर फेस पोजीशनिंग जो है ये ज्यादा एक्यूरेट होती है कोड बेस से, पर करियर बेस्ड में जो है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है इसकी सिग्नल प्रोसेसिंग, और ज्यादा टाइम लगता है इसकी प्रोसेसिंग में। तो करियर बेस्ड में पूरा L1 सिग्नल यूज होता है, और कोड बेस्ड में L1 सिग्नल का जो CA कोड वाला पार्ट है वो यूज किया जाता है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो इम्पोर्टेंट जियो पोजिशनिंग के मेथड एब्सोल्यूट रिलेटिव और कोड बेस्ड और करियर फेज है, और चारों का क्या मतलब होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ जियो पोजिशनिंग इन जीपीएस। कौन से फैक्टर्स जो है जीपीएस की जियो पोजिशनिंग एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टेरेन, ऑब्स्टेकल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, ऑल ऑफ द अबव। किसी भी तरह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में खराबी आ रही हो उसकी वजह से, या फिर टेरेन अनइवन हो, ऑब्स्टेकल आ रहा हो सिग्नल्स से रिसीवर के बीच में, तो इन सब की वजह से इनएक्यूरेसी आ सकती है डेटा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जीपीएस एंटीना का क्या फंक्शन होता है? तो यहाँ पे इसके चार ऑप्शंस हैं। पहला है टू रिसीव जीपीएस सिग्नल्स फ्रॉम जीपीएस सैटेलाइट्स, दूसरा है टू ट्रांसमिट जीपीएस सिग्नल टू जीपीएस सैटेलाइट्स, तीसरा है टू एम्पलीफाई जीपीएस सिग्नल, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। जीपीएस एंटीना जो है जीपीएस सिग्नल रिसीव करता है जीपीएस सैटेलाइट से। जैसा कि मैंने पढ़ा भी रखा था, जीपीएस एंटीना क्या होते हैं, ये रिसीवर्स के एक तरह से कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो सिग्नल्स को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। और जीपीएस एंटीना जो होते हैं ये ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, किसी भी डायरेक्शन से जो सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ जीपीएस एंटीना। इस सीरीज में मे बी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हो जिस टॉपिक के बारे में मैंने ना पढ़ाया हो, तो वो जो है इस MCQ में ही मैं कवर कर ले रही हूँ, उसके बारे में ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन करके। तो आप सब इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा। तो जीपीएस एंटीना के टू मेन टाइप्स क्या हैं, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, एक्टिव एंटीना, पैसिव एंटीना, दूसरा है पैच एंटीना एंड डाइपोल एंटीना, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। जीपीएस के जो दो मेन टाइप होते हैं एक्टिव एंटीना और पैसिव एंटीना होते हैं। एक्टिव एंटीना क्या होता है, इसमें एक एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है, और पैसिव एंटीना में कोई भी एम्पलीफायर नहीं होता है। इसके बाद पैच एंटीना और डाइपोल एंटीना क्या होते हैं, ये भी कॉमन टाइप के जीपीएस एंटीना है। पैच एंटीना जो होता है ये फ्लैट होता है, कॉम्पैक्ट होता है, जो कि ज्यादातर आइडियल होता है मोबाइल डिवाइसेस में, जो हमारे एंटीना होता है वो पैच एंटीना होता है। डाइपोल एंटीना कैसा होता है, ये लॉन्ग और थिन होता है, जो कि यूज किया जाता है स्टेशनरी एप्लीकेशंस में। तो ये जीपीएस एंटीना के कुछ टाइप्स हैं। एक्टिव और पैसिव जो है एम्पलीफायर बेस्ड है, और पैच एंटीना और डाइपोल एंटीना जो है डिवाइस बेस्ड है, कौन सा मूविंग डिवाइस है, स्टेशनरी डिवाइस है, उसके उस पे बेस्ड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ जीपीएस रिसीवर का क्या फंक्शन होता है? पहला है टू रिसीव जीपीएस सिग्नल्स फ्रॉम जीपीएस सैटेलाइट्स, दूसरा है टू डिकोड जीपीएस सिग्नल्स, तीसरा है टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द रिसीवर, चौथा है ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि एक जीपीएस रिसीवर डिवाइस जो है ये जीपीएस सिग्नल को डिकोड करता है, फिर उस डिकोडेड सिग्नल से जो है अपने रिसीवर की पोजीशन को कैलकुलेट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री मेन मेथड ऑफ जीपीएस डेटा कलेक्शन। के ये सारे ऑप्शंस में से तीन मेन मेथड्स कौन से हैं। पहला है स्टैटिक काइनेमेटिक एंड डिफरेंशियल मेथड, दूसरा है कोड बेस्ड करियर फेज एंड स्यूडो रेंज, तीसरा है एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड डिफरेंशियल, चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्टैटिक काइनेमेटिक और डिफरेंशियल, ये जो तीन मेन मेथड्स हैं जब हम जीपीएस डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, तो जिसमें से स्टैटिक जीपीएस क्या होता है, इसमें एक स्टेशनरी रिसीवर होता है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीपीएस डेटा कलेक्ट करता है, और ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है जीपीएस डेटा कलेक्शन के लिए, पर ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपने एक ही पोजीशन पे बहुत दिनों तक के लिए, महीनों तक के लिए अपने रिसीवर को प्लेस कर रखा है, तो ये ऑब्वियसली जो है सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, तो ये स्टैटिक जीपीएस होता है। काइनेमेटिक जीपीएस क्या होता है, इसमें एक मूविंग रिसीवर होता है जो कि डेटा कलेक्ट करता है और ये लेस एक्यूरेट होता है पर फास्टर होता है। और डिफरेंशियल जीपीएस क्या होता है, इसमें जो होते हैं दो रिसीवर्स होते हैं, दो रिसीवर्स के यूज किया जाता है डीजीपीएस में एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। एक रिसीवर को जो है किसी नोन लोकेशन पे प्लेस करते हैं जिसको हम रेफरेंस स्टेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है इसे रोवर स्टेशन के नाम पे जानते हैं जहाँ का डेटा हमें कलेक्ट करना होता है। तो ये जो रेफरेंस स्टेशन होता है इसके पास एक नोन लोकेशन होती है, इसके रेस्पेक्ट में जो है अपनी लोकेशन में करेक्शन करता है, उसके बेस पे ये जो मूविंग रोवर स्टेशन होते हैं फिर इनमें करेक्शन सप्लाई करता है, ये डिफरेंशियल जीपीएस होते हैं। ये भी फास्टर मेथड है पर ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये जीपीएस एरर से रिलेटेड है, तो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एरर्स इन जीपीएस। इन सारे ऑप्शंस में कौन सा जो है मेन सोर्स है जीपीएस में एरर का, तो सैटेलाइट क्लॉक एरर, एटमॉस्फेरिक डिले, रिसीवर नॉइज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। सैटेलाइट क्लॉक्स जो होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं लेकिन ये ओवर टाइम जो है ये ड्रिफ्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो जीपीएस रिसीवर और सैटेलाइट के डिस्टेंस में जो है मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी आ सकती है। एटमॉस्फेरिक डिले की वजह से भी इनएक्यूरेसी आती है क्योंकि पोजिशनिंग जो है जीपीएस रिसीवर की ये बेसिकली पूरी तरह से डिपेंड करती है जो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है सिग्नल से लेके सैटेलाइट तक उस पे, पर एटमॉस्फेयर में कुछ एलिमेंट्स आ गए उसकी वजह से सिग्नल को जो है डिले हो गया रिसीवर तक पहुंचने में, तो उसकी वजह से भी डेटा में इनएक्यूरेसी आ सकती है। रिसीवर में कुछ नॉइज है उसकी वजह से भी डिस्टेंस मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी आ सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ जीपीएस एरर्स। तो इसके भी चार ऑप्शन है यहाँ पे, सैटेलाइट ज्योमेट्री, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, रिसीवर्स क्वालिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा फैक्टर है जो जीपीएस एरर के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है, तो इसका भी आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि जीपीएस का मैग्नीट्यूड जो अफेक्ट होता है बहुत डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स है, सैटेलाइट ज्योमेट्री, एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिर रिसीवर की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी ना हो तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर मेजर जीएनएसएस सिस्टम। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो एंड बिडू, दूसरा है जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो एंड नेविक, तीसरा है जीपीएस, ग्लोनास, बिडू एंड क्यूजेडएसएस, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और बिडू, ये जो चार जीएनएसएस सिस्टम्स हैं जिसमें से जीपीएस जो है ये यूएस का है, ग्लोनास जो है ये रशिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, गैलीलियो जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और बिडू जो है ये चाइना के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम करेक्शंस टू जीएनएसएस सिस्टम टू इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, दूसरा अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस टू अ स्पेसिफिक रीजन, तीसरा सिस्टम दैट ऑगमेंट्स जीएनएसएस सिग्नल्स विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज वेदर डेटा, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम करेक्शंस टू जीएनएसएस सिग्नल टू इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। तो एसबीएस सिस्टम जो ये रियल टाइम करेक्शंस प्रोवाइड कराता है जीएनएसएस सिग्नल्स को ताकि उनकी एक्यूरेसी इम्प्रूव की जा सके। एसबीएस सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली ग्राउंड स्टेशंस होते हैं, ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशन जो कि जीएनएसएस सिग्नल को रिसीव करके करेक्शन मैसेजेस जनरेट करते हैं और उसको वापस ट्रांसमिट कर देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, फिर वहां पे करेक्शन अप्लाई होके करेक्टेड जो है सिग्नल वो यूजर्स को रिसीव होते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो कि जीपीएस और जीएनएसएस सिस्टम पे बेस्ड थे। आई होप कि आप सबको इस सीरीज में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा आप सबको तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में, और मैं जल्दी और भी वीडियोस जो है गेट के रिलेटेड अपलोड करूंगी, तो आप सब मेरे साथ बने रहिए सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।